समाज सेवा में पिछले 1.5 दशक से काम कर रही सर्व कल्याणकारी संस्था ने हमीरपुर जिला के टौणी देवी अस्पताल में निशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मरीजों ने इलाज करवाया। इस अवसर पर कैंप में देश के विख्यात हड्डी व स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज बहादुर ने मरीजों का इलाज किया। कैंप में डॉक्टर राज बहादुर के पहुंचने का सर्व कल्याणकारी संस्था के चेयरमैन व सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने स्वागत किया। राजेंद्र राणा ने डॉक्टर राज बहादुर को स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। सर्व कल्याणकारी संस्था के चेयरमैन व सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि डॉक्टर राज बहादुर से गरीब लोगों की सेवाओं के लिए सुजानपुर में पहुंचे हैं, जिस कारण लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए हिमाचल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राणा ने बताया कि संस्था का 34वां मेडिकल कैंप है, जिसमें लगातार लोगों की सेवा की जा रही है। सर्व कल्याणकारी संस्था पिछले लगभग 17 वर्षों से सामाजिक कामों में अग्रणी भूमिका निभा रही है और आज भी सर्व कल्याणकारी संस्था की तरफ से सिविल हॉस्पिटल टौणी देवी में जो है एक विशाल मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। एक मेडिकल कैंप आज ही जुखाड़ा में जिला बिलासपुर में जो है वहाँ फोर्टीज हॉस्पिटल की टीम जो है अपनी सेवाएं दे रही है, वो भी संस्था की तरफ से किया जा रहा है। परंतु आज जहाँ पर हम लोग खड़े हैं टौणी देवी में, यहाँ हिंदुस्तान के प्रख्यात डॉक्टर जो हैं डॉक्टर राज बहादुर जी जो कि ऑर्थोपेडिशियंस हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं आज की तारीख में पंजाब में बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंचे हैं। आज जो है यहाँ पर लोगों को घुटनों में इंजेक्शन भी दिए जाएंगे जो कि चल फिर नहीं सकते हैं। ये सर्व कल्याणकारी संस्था से ऐसे अनेकों सामाजिक काम जो है वो किए जा रहे हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि डॉक्टर राज बहादुर जैसे सरीखे डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनको मिलने के लिए चंडीगढ़ में भी 6-6 महीने की वेटिंग चल रही है, वो इलाके में हमारे गांव में हमारे चुनाव क्षेत्र में इस इलाके में अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंचे हैं ताकि लोग जो है स्वास्थ्य लाभ ले सकें। और इलाके में जो लोग गरीब लोग हैं गांव के लोग हैं वो चंडीगढ़ जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े डॉक्टरों के पास नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी सेवा में जो डॉक्टर यहाँ पहुंचे हैं वो उनकी सेवा भी करेंगे। वहीं डॉक्टर राज बहादुर ने हिमाचल के लोगों में घुटनों की बढ़ती समस्या पर चिंता जाहिर की और कहा कि आज के समय में लोग खानपान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और व्यायाम नहीं करते हैं, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। डॉक्टर राज बहादुर ने कहा कि मोटापे को बढ़ने ना दें और व्यायाम करें ताकि सेहतमंद रहा जा सके। दुख है मेरे को, ये इसका कारण यही था कि जिस समय हम इतने हिमाचल प्रदेश में शुरू से देखते आ रहे थे, कुएं थे, लोग घर से उठते थे कुएं को जाते थे, वहाँ से पानी लाते थे घर में तो एक एक्सरसाइज हो जाती थी। अब कुएं जो है ख़त्म हो गए, नल के किचन में लगे, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो उनको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, सड़कें अच्छी हो गई है, कोई पैदल नहीं जाता, विद द रिजल्ट वेट इंक्रीज़ हो गया है। सो ये वेट जो इंक्रीज़ हो गया, जो हिमाचल में ये होता नहीं था, हम जिस समय शिमला में पढ़ते तो हमें एक ही मोटा आदमी माल के ऊपर नज़र आता था, परंतु अब मैं देखता हूँ भी जितने हिमाचल के लोग हैं वो भी काफ़ी मोटे हो गए और उस मोटे होने के कारण और लॉन्गेबिलिटी बढ़ने के कारण जो हमारे घुटने खराब होने शुरू हो गए। तो वेट कंट्रोल रखा जाए, एक्सरसाइज करें तो मेरे ख्याल से घुटनों की उम्र बढ़ती रहेगी। वेट नहीं बढ़ना चाहिए, वन उसकी रेगुलर उसको पीठ की एक्सरसाइज करनी चाहिए, आगे झुककर वेट नहीं उठाना चाहिए। यदि हम जो स्पाइन है स्पाइन बिल्कुल सीधा हो, जैसे पैरेलल टू द ग्राउंड हो, उसकी स्पाइन की सबसे अच्छी पोजीशन वही है, जैसे हम लेटे होते हैं दिस इज द बेस्ट पोजीशन, और जिस समय हम खड़े जाते हैं तो उसमें जो डिस्क है उसका प्रेशर उससे ज़्यादा होता है, और जिस समय हम बैठते हैं उसमें उससे भी ज़्यादा प्रेशर होता है। यदि बैठ के और खड़े होकर हम आगे को झुक के कोई वेट उठाएं तो उसके ऊपर ज़्यादा लोडिंग होती है। तो उठते समय बैठते समय यदि कोई वेट उठा रहा है गलती से तो मेरे ख्याल से उससे स्ट्रेन पड़ता, उसको अवॉइड करना चाहिए, फॉरवर्ड बेंडिंग काम करनी चाहिए, एक्सरसाइज नियमित रूप से पीठ की करनी चाहिए। पीठ और कुछ नहीं मांगती, खुराक नहीं मांगती, रोटी नहीं मांगती, कुछ नहीं मांगती, परंतु रोज एक्सरसाइज मांगती है, वो करनी चाहिए। और ये हमारे संस्कृति में भी है कि जैसे योग है तो योग में जो भुजंगासन है वो अच्छा है, जिसको भुजंगासन नहीं करना और फैसिलिटी है उसके पास स्विमिंग इज दी अनदर बेस्ट एक्सरसाइज। इन चीज़ों का ख्याल रखें तो मेरे ख्याल से पीठ की दर्द होने की संभावना नहीं।